हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। आइए मेरे भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोलाजी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोलाजी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर की हजूरी क्यों जरूरी है। जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 2:41 में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उन्होंने ही असरदार होकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया है और शैतान के राज्य को खत्म किया है, जिनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी है। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी पाया हुआ इंसान एक खमीर के जैसे है, जिसको आटे में मिला दिया जाए तो वह पूरा आटा खमीर कर देता है, उसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। बाइबल में जब हम पौलुस और पत्रस के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब वह प्रचार करते थे तो एक बार में 3,000 लोग बपतिस्मा लेते थे। उन्होंने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया, जबकि उनके समय में कोई इंटरनेट भी नहीं था, न ही किताबें होती थी। उस समय सिर्फ चंबे के पत्र थे और उस पर चिट्ठियां लिखकर लोग भेजते थे, पर फिर भी उन्होंने लाखों लोगों को बदल दिया। यह कैसे? यह इसलिए क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी थी। मेरे प्रियो, आज लोग बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, इंटरनेट से सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी वह लोगों को बदल नहीं पाते क्योंकि उनके साथ परमेश्वर की हजूरी नहीं है। पर आपके दान वरदान भी लोगों को बदल नहीं पाते अगर आपके साथ परमेश्वर की हजूरी नहीं है। पर अगर परमेश्वर की हजूरी है और आप किसी इंसान को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो वह इंसान जरूर बदलेगा। मेरे प्रियो, पर अगर आप शराब पियेंगे, गंदे मजाक करेंगे, व्यभिचार करेंगे और गंदी फिल्में देखेंगे तो फिर परमेश्वर की हजूरी आपके साथ नहीं होगी। आज कुछ लोग सिर्फ नाम के ही मसीही हैं, वे अन्य जाति लोगों के जैसे ही हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर जब वह किसी और को परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो वह दूसरा इंसान भी नहीं बदलता। क्योंकि जब तक आपका खुद का जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर की हजूरी भी आपके साथ नहीं होगी, फिर न ही आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और न ही दूसरों की जिंदगी में बदलाव को देखेंगे। पर जब आपके साथ परमेश्वर की हजूरी होती है फिर आपका भी जीवन बदलता है और उनका भी बदलता है जिनको अपने परमेश्वर का वचन बताया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी उस समय आपके जीवन में होती है जब आप प्रार्थना में बढ़ते हो, वचनों पर मनन करते हो और उनके अनुसार चलते हो और वह काम नहीं करते जो परमेश्वर ने मना किया है। फिर परमेश्वर की हजूरी आपके साथ रहती है। फिर जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें 100 गुना फलों को लेकर आते हैं और वह लोग भी जिनके आप परमेश्वर के बारे में बताते हैं वह भी बदलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की हजूरी आपके साथ रहे तो प्रार्थना में बढ़ें, बाइबल पढ़ें, वचनों पर चलें और उस पर मनन करें, ताकि आप भी पत्रस और पौलुस की तरह परमेश्वर के काम को कर सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह आज से ही अपनी हर बुरी आदत से आजाद हों और प्रार्थना में बढ़ें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। परमेश्वर आपकी हजूरी हमेशा इनके साथ रहे ताकि यह आपके कामों को करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।